इंडिया देखिए बेस्ट की महफिल में हमारे साथ आज जो दो स्पेशल मेहमान आ रहे हैं वेल उन दोनों का नाम डांस पार्टी के साथ कुछ ऐसा जुड़ गया है जैसे ढोल के साथ बारात जैसे रोमांस के साथ रात अरे जैसे ब्यूटी के साथ बिंदिया और जैसे टैलेंट के साथ इंडिया प्लीज वेलकम पटोला और बन जा तू मेरी रानी जैसे चार्ट बस्टर्स गाने वाले हाई रेटेड गबरू गुरु रंधावा और जिनकी गर्मी का बचता है इंडिया के हर घर में ढिंडोरा डॉक्टर टी का रोम रोम फिदा है जिन पे फोरा पोरा जिसका नाम फूक के बना देते हैं दूध को दही द सेंसेशनल नोरा फतेही इस गाने में नोरा साथ है तो आई थिंक प्यार चार गुना हो जाएगा क्योंकि तीन गुना तो भाई साहब का है सर ये बाजी बार तक खेल चुकी आप तो मेरे भाई थे आपने आप भी अभी लगे पड़े हैं अच्छा आपने कहा ये आपके भाई हैं तो क्या वो आपकी बहन है नहीं मतलब ऐसे मेरे मुंह से निकल नहीं नेवर माइंड कोई बात नहीं यार पर नोरा यार तुम्हारे लकी चार्म के बारे में अगर बात की जाए जरा सबको बताना चाहती हूँ तो नोरा अगर पूछा जाए कि किस तरह का लड़का पसंद है सारे आज अच्छी अच्छी परफ्यूमे लगा के आए शेट्टी कूदते जा रहा है पता नहीं क्यों ओके वो लड़का को डांस करना है डांस ओके डांस आना चाहिए उसको डांस आना चाहिए ओके कोई खुश हो रहा है यहाँ पे बहुत डांस आना चाहिए और 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 स्वैग चाहिए स्वैग ओके स्वैग है ओके ओके गो ऑन गो ऑन उसको टॉल होना चाहिए ओके अच्छा उसको टॉल गाइस बहुत पसंद आते हैं हाँ Are you thinking what I'm thinking? Yeah, yeah, yeah. Geeta ma? Yeah, yeah. Okay, बताइए और कुछ? अच्छा ऐसा है कि बंदा डिटर्जेंट में नहा के आया हो एकदम सफेद रंग का. चलो, नौरा जो है धीरे-धीरे बता रही है, लेकिन हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे लड़का कैसा पसंद है. आज ये मैं खुलासा करके मानूंगा. Sit, Baba. Let them leave the stage. Calm down. भाई लड़की के आग देखो नीचे रॉकेट लग जाता शुई मतलब क्या हो रहा है इसको यार इसको कोई बांध के रखो आइए हाँ आइए प्लीज नो 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 यू अरे गुरु आइए गुरु यू सिट देयर गुरु यहाँ बैठे हैं या सिट मुझे ऐसे बताया गया यस मेरा काम हो गया डॉक्टर टी आर यू फीलिंग बैड इट्स ओके अरे दिल पे बट्टा मारा किसी ने उठा के मनीष भाई हाँ भाई ये ना सारा शो उदासी में जाए यार ये बात मैं नहीं चाहता कि उनको नंबर ही ना मिले आज हाँ और मैं नहीं चाहता वो भी ना खाना खाएं कल को अगला एपिसोड खराब जाए तो इससे अच्छा नोरा प्लीज खुशकिस्मत है हम कि दुनिया के सबसे बड़े कारीगर ने हमें चुना है लोग जिससे दो जिस्म एक जान होने की दुआएं मांगते हैं उसी ने हमें एक साथ बुना है जिंदगी गले लगा ले जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी इन दोनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा पता नहीं क्या होगा इनका इनकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है कैसे दिखते हैं ये इससे अच्छा तो ये दोनों अलग अलग होते हैं जिस्म अलग तो कर पाएंगे वो हमारी रूह नहीं छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बूंदों से मन भर लिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी
तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. Wow, beautiful. है जिंदगी गले लगा ले. La 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 la. Hai na hai zindagi gale laga le. Oh gale laga le. हम एक धड़कन से दो जिंदगी जी रहे हैं. लोग एक जिंदगी में मुकम्मल नहीं जी पाते. गले लगा ले. ब्यूटीफुल. ए जिंदगी गले लगा ले. ला ला ला. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आई थिंक अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्ट ये था. एंड क्या कमाल किया यार तुम लोगों ने, यार दोनों ने. आर्यन एंड रक्तम, क्या कॉन्सेप्ट था. आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड सच अ कॉन्सेप्ट. एंड क्या मैसेज था इस कॉन्सेप्ट से, इस परफॉर्मेंस से. वेरी हार्ड हिटिंग, ब्यूटिफुल. एवरीथिंग, एवरी मूवमेंट, एवरी बीट जो आपने पकड़ लिया, आपने एक एहसास, एक फीलिंग डाला इस बीट में. आई फेल्ट इट ऑल द वे हियर. आप दोनों एक सिंसियरिटी के साथ डांस करते हो, परफॉर्म करते हो. एंड आई फेल्ट इट. इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. थैंक यू, थैंक यू मैम. रक्तिम, जब आप खत्म करते हो ना आपका एक्ट, देयर इज ओनली वन इमोशन दैट आई गो अवे विद, एंड दैट इज फील गुड इमोशन. थैंक यू सो मच. जो आप इमोशंस दिखाते हो, जिस लेवल के इमोशंस आप दिखाते हो, लेट मी टेल यू, रक्तिम एंड आर्यन, nobody can touch you. You guys are the king of these emotions. You touch my heart every single time. And when you touch my heart, I touch the buzzer. Lovely. आर्यन एंड रक्तिम, आज आपने अपने पैरों को ही बांध दिया. जिस चीज़ को हम हमेशा कहते हैं कि नॉन स्टॉप चलते हैं, इतनी तेजी से चलते हैं, आज आपने अपने एसेट को बांध दिया, बट इट स्टिल डिडंट बिकम अ लायबिलिटी. वो ओपनिंग का जब आप दोनों घुटने पे थे और फिर आपने पैर ज्वाइन किया, कितना खूबसूरत, कितना क्लीन. लव द कॉन्सेप्ट. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ आप नया लेके आए हैं टू दिस सीजन, क्योंकि ऐसा एक्ट इस पूरे सीजन में नहीं हुआ है. सो उस नएपन के लिए ये definitely बनता है. Thank you so much. Thank you. My score, yeah. Thank you. All right, एक और जोरदार तालियां. 29 यहाँ पे मिले हैं.
Soumya, I got teary-eyed. I got emotional. Aapne belly dance ek aur level kar diya. Really. Mujhe yaad aaya mera performance, apna performance. Maine bhi ek sword ke saath dance kiya. Ek reality show ke liye jab main contestant thi. Wow. It's so crazy to see ki aap bhi kar rahe ho. So it's just, it makes me feel so emotional. You're taking dance to another level. You're representing belly dance. Aaj jo aapne kiya, isolation. Shimmies, balance. Ye sab bahut hi khatarnak the. Bahut khatarnak the. So much, man. Aapko jeetni chahiye is show mein. सौम्या वर्तिका, आज जो आपने पेश किया वो कमाल का था, स्पेशली क्योंकि आपने राजस्थान का फोक डांस कालबेलिया को भी रिप्रेजेंट किया। क्या बात है, क्या बात है? और कालबेलिया में ऐसी दो तीन चीजें करते हैं वो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। जनरली शोज में क्या होता है कि कभी कभी हम ग्लू लेके चिटका लेते हैं मटके को या तलवार को, यू नो, फिर लोग चमक लगा के वो यू नो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली सौम्या एंड वर्तिका ने कोई ट्रिक नहीं किया है। जो असली परफॉर्मेंस होता है, क्या बात, ये बात उसको रिप्रेजेंट किया है। और Point. जो आपके शरीर का जो कंपन था और लचीलापन जब आप कर रही थी बेली डांस, वो कमाल का था। इसके लिए मैं जरूर दिस गोस टू यू। सौम्या, आपने आर्टिस्ट वाली बात कर दी, हैट्स ऑफ टू यू, दिस इज फॉर यू। सौम्या एंड वार्तिका, आपका दोनों का बहुत ही अमेजिंग था परफॉर्मेंस। और मैं अभी अभी नोरा के साथ शूट करके आया हूँ वीडियो, एंड आई हैव सीन हर परफॉर्मिंग इन अ वेरी ग्रेट वे इन द न्यू म्यूजिक वीडियो व्हिच वी हैव डन, डांस मेरी रानी। एंड वहाँ पे एक रानी थी, आज यहाँ पे दो रानी हैं। क्या बात, यू डिजर्व इट। थैंक यू सो मच मैम। मैं इतना कहूंगी कि बड़े कलाकारों से खड़े रह के बात करना चाहिए। सौम्या, आप बहुत 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 बड़ी कलाकार हैं। थैंक यू मैम। वर्तिका, ग्रेट जॉब ऑन कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी 10/10, परफॉर्मेंस 10/10, एग्जीक्यूशन 10/10, एवरीथिंग, द यूसेज ऑफ प्रॉप। वो मोमेंट इतना प्यारा था जब सौम्या लेटी हुई है और आप हाथ से ये कर रही हैं, एंड दैट शिमी हैपेंड थ्रू हर बॉडी, दैट होल मोमेंट वॉज, इतना प्यारा मोमेंट था वो। और आपकी कमर कितनी ऊपर जाती है यार, वो तलवार रखने के लिए कितनी, मतलब हे भगवान, हमारा इतना बड़ा कमर है फिर भी कुछ नहीं रहता। कैसे रखते हो, किधर रखते हो वो तलवार कमर पे, कैसे रखते हो? दिखाइए। सच अ ब्यूटीफुल, गेट दैट सौम्या, यू आर ग्रेसफुल, यू आर डिग्निफाइड, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वंडरफुल, यू आर स्टुपेंडो, फैंटैबुलसली, फैंटास्मगोरिकली मैजिकल, यू आर, थैंक यू मैम, इंडियाज बेस्ट डांसर आज। थैंक यू। मुझे एक और बार देखना है, क्या आप कर सकते हो प्लीज? आई मैंने आपके लिए कुछ लाए हूं, एक गिफ्ट। अरे टेरेंस सर खड़े हो गए। आई थिंक मनीष भाई की तारीफ बनती है। हाय हाय। जिस मनीष
नहीं ये मैं सही बोल रहा हूँ, जिस शो पे भाई जाते हैं उस शो के वो तो एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग हो ही रहा होता है, बट इन बिटवीन जो ये एंटरटेनमेंट लेके आते हैं वो कोई और नहीं लेके आ सकता। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वी लव यू मनीष, बहुत मजा आता है, यू हैव दैट ब्रो। थैंक यू वेरी मच, मैं इस बात पे इतना खुश हूँ और राजा साहब इतने खुश हुए, आपको भी अशर्फियां दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, नौरव किस तरह का लड़का तुम्हें पसंद है प्लीज थोड़ा बताओ, सो दैट यू नो तर पता चले लड़कों को भी। उसको स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकत वाला चाहिए। मतलब स्ट्रांग लड़का होना चाहिए जो इनको प्रोटेक्ट कर पाए। ऑलराइट, तो चलिए अब आप दोनों को नौरा का स्केच बनाना है, आपको मिलेंगे 60 seconds। नौरा आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही बैठना है। 3, 2, 1 go start। Oh my God! ओके, टाइम हो चुका है खत्म, अब मैं आपको एक एक करके स्केच दिखाना चाहूंगा। ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी फनी। सबसे पहले डॉक्टर टी, या शक्ल देख लो। ओह नॉट बैड, डॉक्टर टीटी हुसैन। लेकिन अभी आपने मास्टरपीस देखा नहीं। बट एक मिनट, मैं तो यहाँ पे पोज कर रही थी। इस बंदे की आंखें देखो, नीचे तक पूरा उन्होंने किया है। जब बंदी बैठी हुई है उसमें भी इमेजिनेशन। ओके, लेकिन अब एनु केंद्र ने चक दे फटे ते नप दे किली। गौरव आइए। अच्छा ये गौरव ने अभी बनाया, गौरव ने अभी अभी बनाया। गौरव बेटा इधर आओ, जो बंदा खुद पेंट ब्रश इतना पतला है उसने पेंट ब्रश से नहीं मुंह रगड़ रगड़ के पेंटिंग बनाई है। भाई इससे तो कंपटीशन नहीं हो सकता भाई। Actually, so pretty. ये टैलेंट छुपा कहाँ है बताएं? ये मेरे को आता था पहले से, लेकिन कभी आपने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। Sorry, Gaurav is underage. Good point. He's underage. The choice and the competition is between Dr. T and Mr. G. And G. But you have to help me choose. मेरा दोस्त, मैं भी थोड़ा टीटी हूं सर, टीटी के साइड पे मैं थोड़ा लीन कर। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, तो पहला राउंड गुरु जीते थे और ये राउंड के विनर, ये लग रहा है विनर टाई, टाई डॉक्टर टी। कम ऑन, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। थैंक यू, जोरदार तालियां इनके लिए, कम ऑन। थैंक यू। और अब प्रेजेंटिंग जयपुर राजस्थान से रोबोटिक्स का रैम्बो गौरव सरवान विद कोरियोग्राफर रुपेश सोनी। कर लिया
तुझे याद कर लिया है मैं जो इमोशंस देख रहा हूँ मैं ये निकलने नहीं देना चाहता और मैं देख रहा हूँ गीता मैम जो है वो अभी तक क्लीन है परफॉर्मेंस में यार ऐसा परफॉर्मेंस जो हम सबको रुला दे मतलब यार रियल मैं यार इसने पता नहीं रूबरू करा दिया ये एक्ट ने आई डोंट नो व्हाट इट इज जस्ट सम स्ट्रेंज कनेक्शन मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए ओह गौरव यार क्या थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू बड़ा हो गया यार गौरव की कैसे डांस करने लग गए ओह माय गॉड बड़ा मैच्योर परफॉर्मेंस इज और आई कांट बिलीव दिस इज गौरव परफॉर्मेंस आई थिंक फ्रॉम द मोमेंट इट स्टार्टेड रुपेश दिस कोरियोग्राफी इज नॉट कोरियोग्राफी दिस इज अ फीलिंग This is an emotion. This is not choreography. This is just. I don't know how to explain the first time. I don't know how to explain an act. I think वो कहना चाहती है कि अगर डांस एक इबादत है तो आप उसके प्रतीक हो. You know, जिस तरीके से आपने अपना जिस्म इस्तेमाल किया इस परफॉर्मेंस में आप जिस्म से रूह में चले गए हमारे तो उस किस्म का परफॉर्मेंस दिया है आपने सुपर्ब या सुपर्ब थैंक यू सर ट्रूली इट इज अमेजिंग रुपेश गौरव आप दोनों को देखकर ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे के बीच में ऐसा एक मिरर है जिसमें इंडिया के डांस के फ्यूचर का रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिखता है थैंक यू सो मच Well said. मुझे लगता है कि एक जो ऑडियंस घर पे बैठी देख रही है उनको एक चीज़ का नहीं पता जो मेरे को आज पता चल गया है कि मैं वो जो 100% घर पे टीवी पे देखते हैं यहाँ पे 250% दिखता है क्या और वो आई थिंक इस शो को
इन सब आर्टिस्टों को लाइव स्टेज पे लेके जाना चाहिए, सिटी टू सिटी टूर होना चाहिए, ताकि लोग जो ये वाला इमोशन है वो देख सकें अपने अपने शहरों में. You know what? Speechless hona bahut achhi baat hai. It means you've surpassed expectations. Dancers jo aise dance kar sakte hain feeling ke saath, soul ke saath, ye log mere hisab se superheroes hai. Jo aapne aaj dikhaya stage pe, you cannot learn that anywhere. Nowhere. Ye god gift talent hai. What a performer. Thank you, ma'am. Shabash. I got goosebumps. Goosebumps from the minute you moved. Aapne pani ki tarah move kiya. Tujhe yaad kar liya hai. Thank you. तो टेरेंस सर ने ऑलरेडी 10 दे दिए हैं, बारी है गीता मैम एंड मलाइका, ओवर टू यू. 4 सीजन्स ऑफ सुपर डांसर गौरव मैंने देखे हैं, 2 सीजन इंडियाज बेस्ट डांसर. दिस इज माय मोस्ट फेवरेट. वाओ, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. यू जस्ट टुक मी, सो थैंक यू फॉर दैट. बिफोर आई गो अगेन इनटू दिस जोन. Thank you so much. All right, Malaika. I think we are all become so overwhelmed in this moment. So, thoda change kare mahol. Yeah. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Alright, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, कितना हंगामा है और कितना धमाल हो रहा है यार. क्या बात है रे यार स्पाइडी भैया, आप यार आपको भी क्या मतलब कंपटीशन में हिस्सा लेना है? ओ नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों? ओ अच्छा, डांसर्स को 9 जनवरी के फिनाले के लिए ऑल द बेस्ट कहने आए हैं ना. आहा, क्या बात है यार स्पाइडी, आपके कर्तव्य बहुत कमाल के हैं. वैसे तो ये डांस शो है पर यार थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को स्टंट वगैरह सिखाओगे प्लीज? अरे क्यों नहीं सिखाओगे यार? ओ, क्या बात है यार. यार ये मतलब कह रहे हैं कि ये सिखाएंगे नहीं, शर्त ये बदले में बच्चे इनको स्टेप सिखाएं, है ना यार. बच्चों प्लीज आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ. यार ऑल द बेस्ट कह दो इनको प्लीज यार. अरे क्या बात है, वाओ क्या स्टाइलिश, ऑल द बेस्ट यार, वाओ. और आई जोरदार तालियां. लहू मुँह लग गया,
लहू मुँह लग गया होया था नस नस में अब ये जग गया लहू मुँह लग गया लव से लव ये रग से रग गया लहू मुँह लग गया छल छल रहता था कल कल बहता था छल छल रहता था जान लेके जान कब गया लब से लब ये लब लब से लहू लग गया लहू लग गया I can say this. But this. I can do yes. This. I can do this. This. Thank you. Everything. Everything. I want to do this. And this. So, baby, I'm going. This bar is virtual hug, dunga. But what an act. What an act. Groundbreaking, path breaking. Yeah. Yes. Everything. मैंने ये गाना हजारों बार सुना है लेकिन ये विजुअल ये थॉट कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया था आई लव्ड दिस परफॉर्मेंस थैंक यू सो मच मैम थैंक यू इसके लिए तो बनता है यार सल्यूट Bow down, buzzer, everything. You deserve it all. There was something about you, Akash. Behind the red powder, I can see your eyes. They were on fire. They were on fire. It's like up. अपने आंखों से बात कर रहे हो इट्स लाइक मिर्ची लिटरली स्पाइसी सो स्पाइसी आपका डांस वाज फैंटास्टिक ब्रिलियंट वाज सो गुड या 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 एक मोमेंट के लिए भी लगा नहीं कि यू नो आप में वो झिझक है टू यू नो एम्बॉडी दैट कैरेक्टर आई हैव टू से बॉयज आई एम सो प्राउड ऑफ यू ये जिगरा चाहिए एज कोरियोग्राफर्स एंड Also as contestant. Thinker. और ये बहुत progressive है, ये बहुत आगे है, ये शायद ऐतिहासिक है, because generally हमने ऐसे act देखे हैं, but always it is always sympathy garnering. It was here a celebration. Yes. Yes. That's what I liked about. Yes. Yes. जोरदार तालियां. Thank you. For this wonderful performance. लेकिन एक ही बात की चिंता है मुझे अब यार. यार finale आ रहा है मानता हूँ,
लेकिन फिनाले से पहले ऐसे कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिनाले में क्या करेंगे, आई थिंक अब लोग और ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर अ लवली परफॉर्मेंस, थैंक यू, आइए टेक इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।